तो जनाब, एक बड़ा नाम आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने फिल्म बनाई हैं, कसम, जीवा, सरगम जैसी कामयाब उर्दू फिल्में बनाई हैं, लेकिन पंजाबी फिल्मों का रुख किया तो उसमें तो कमाल ही कर दिया है। चूड़ियाँ, मजाजन जैसे बेमिसाल शाहकार इन्होंने तख्लीक की हैं। 300 से ज़्यादा फिल्में जो हैं बतौर राइटर इन्होंने लिखी हैं, 55 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे कर लेते हैं आप इतनी ज्यादा फिल्में? बस यही काम करता रहा हूं, मेरा ख्याल फिल्म के अलावा कोई जिंदगी में कुछ था ही नहीं, और आज भी ऐसे ही है। राइटर भी, डायरेक्टर भी, और इतना कुछ, मतलब एक डायरेक्टर तो बहुत बाद में जाके मैं बना, 93 में जाके बना, 76 में मैंने पहली फिल्म लिखी थी। 76 में पहली फिल्म लिखी, तब यानी आप 6 साल बहुत छोटे नहीं थे, बल्कि थे ही नहीं। कितने साल के थे आप? 26-27 साल का। अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं ना, 20 साल के मतलब आप ये बताएं कि अपनी बर्थडे आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं? ऐसे ही जैसे कर रहा हूं। ऐसे ही अपने दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली में कोई पार्टी वगैरह सेलिब्रेशन? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन दोस्त बहुत हैं, चाहने वाले हैं। आज मैं मेरे ख्याल 4-5 जगह और जाऊंगा, जैसे आपने इज्जत बख्शी है वैसे। आपने इज्जत बख्शी हमें यहाँ पर आकर। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आप कितने शरारती थे, या पहले से ही आपके जहन में होता था कि फिल्में चलाते थे या नहीं चलाते थे बचपन में? फिल्में बनानी तो आपने बाद में शुरू की है। नहीं, बचपन सबमिसिव था, मतलब ये जो जिबिलतन इंसान होते हैं, जो सोचते बहुत हैं, जो फील बहुत करते हैं, वही राइटर बनते हैं। तो मैं बचपन से ही बहुत सबमिसिव था, छोटी छोटी बातों पे मैं, मेरे अंदर वो फीलिंग्स डेवलप होती थी, सेंसिटिव जिसको बोलते हैं। उसको फिर आपने अल्फाज में परोना शुरू किया? वो फिर जब बड़े हुए तो फिर। किस एज में आपको हो गया था आइडिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं? मेरा ख्याल है मैं 9th क्लास में था जब मैंने पहला एक आर्टिकल लिखा था बच्चों के अखबार में, कोहिस्तान अखबार होता है, नसीम इजाजी साहब का। ठीक है, तो वहां से मैंने लिखना शुरू किया। फिर जब कॉलेज में गए तो फिर साथ साथ जर्नलिज्म करते रहे। फिर 70 में मैंने जब कॉलेज और जर्नलिज्म छोड़ा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। अच्छा सर, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये कुछ जवाल का शिकार भी रही, बड़े मसाइल भी इसमें रहे, आपने बहरहाल बहुत अच्छा इसमें काम किया, और सही कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सैयद नूर साहब की है। मैं तो ये समझता हूं सब लोग, बच्चे बच्चे को पता है कि सैयद नूर जो है, बाकी लोग भी हैं, फिल्म है चूड़ियां, मजाजन, जो मुझे भी पता है कि मैं अपने बचपन में देखी थी। अच्छा, और माशाल्लाह आपको 10 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, तो ये भी बहुत, सितारा इम्तियाज भी मिला है, तो आपको इतना कुछ माशाल्लाह मिला है। सर ये बताइए मुझे, अगर आपको मैं ये अपॉर्चुनिटी दूं कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, अब आप इसके मियार को कैसा देखते हैं, अगर हम बॉलीवुड को देखें या हॉलीवुड को देखें? मियार तो बात की बात है, पहले तो सर्वाइवल है। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे मुल्क में जो हालात हैं, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर रही है। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का तो खास तौर पे आप देखें, इसका ताल्लुक जो है ज़हनी सुकून के साथ है, फालतू पैसों के साथ है, और कोई टेंशन नहीं है तो बच्चों को बोलेंगे चल अभी फिल्म दिखाएं। वरना आपको बिजली का बिल देना है, पेट्रोल इतना महंगा है, बच्चों की फीसें हैं, घर का किराया है, जो मासिस होता था फिल्म देखने के लिए, वो टिकट इतना सस्ता है, महंगा है कि कोई जा नहीं सकता। जब सस्ता होता था टिकट, जब 11 रुपये का टिकट तो लोग देखते थे, तो लोग इतने तादाद में, या अब चूड़ियाँ 35 रुपये का टिकट था, चूड़िया में तो 40 करोड़ का उस वक्त बिजनेस था उस वक्त। ओह माय गॉड। तो जितना सस्ता टिकट होगा, ये एंटरटेनमेंट जो है ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए है। ये जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो घर में सिनेमा बना लिए हुए। ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे आप, जो आजकल की ड्रामा इंडस्ट्री है? ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है, सर्वाइव कर रही है, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर और मेकर, प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए कराची में बहुत ज्यादा, तो वो तो अच्छी अच्छा। आपने क्या सोचा, कभी कोई ड्रामा लिखने का नहीं सोचा? अब तो सोचना ही पड़ेगा जीने के लिए। डायरेक्ट करने के? डायरेक्ट भी करेंगे, लिखेंगे भी। अच्छा, तो बताइए आपके जो आइंदा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, ताकि लोग भी थोड़ा वेट कर रहे होते हैं? जी हाँ, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है, दैट इज वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, उसका नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। ललकारा सिंह इन लाहौर, ये एक चंडीगढ़ का लड़का है। अच्छा। जो लाहौर देखने आता है। अच्छा। उस पे बेस करके बनाई है, और कब आ रही है? ये जब हालात ठीक होंगे। कब आई? इन हालात में तो नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, वो वैसे खसारे में जाएगी। जी हाँ जी, खसारे में।
पहले ही वो लोग देखने नहीं different आते story है. वेरी डिफरेंट. मतलब मैंने इस लाहौर की मोहब्बत में ये फिल्म बनाई है. और लाहौर के लोगों के दिल ये जो तुम्हें लाहौर से मोहब्बत है या किसी और से मोहब्बत है? अच्छा आपकी पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर. लाहौर से है जी. पक्के लाहौर ही है. पक्के लाहौर ही है. हमारे अबाओ अजदाद हिजरत करके आए किरमान से 500 साल, 550 साल पहले तबलीग के लिए. और तब से ये फैमिली में कोई था शोबिज इंडस्ट्री में या आप पहले ही हैं? फैमिली में तो तावीज धागे वाले थे सर. तो उन्होंने आपको तावीज धागा करके वापस नहीं किया कि किस इंडस्ट्री में चला गया? बहुत गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा. लेकिन ये जबिल्लतन इंसान होता है, बचपन से ही आगे से आपके बच्चों में आप देख रहे हैं कोई आगे लेकर चलेगा? मेरा बेटा जो है वो कर रहा है काम, अभी वो न्यूयॉर्क एकेडमी से पढ़ के आया है. अच्छा माशाल्लाह. और अभी वो यहाँ मेरे स्टूडियोज को उसने संभाला है और शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है, फेस्टिवल्स फिल्म्स बना रहा है. ये एक बड़ी मुसीबत है. शॉर्ट फिल्म्स का बड़ा ट्रेंड आ गया. यही मैं कहता हूँ. अब देखें जब शॉर्ट फिल्म बनेगी तो कितने लोग देखेंगे और कहाँ देखेंगे? मेन स्ट्रीम सिनेमा की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा. चाहे रिवाइवल कैसे हो सकता है उसका? रिवाइवल जो हालात ठीक हो जाए तो फिर. हालात जब ठीक होने की आप बात करते हैं तो कैसे हालात हैं? कौन से हालात? आपके हालात, इकॉनमी सर वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है आपको, ये बताए ना. देखिए आपको गवर्नमेंट से क्या चाहिए? गवर्नमेंट से नहीं चाहिए, आपकी जेब में पैसे ही नहीं है फिल्म देखने के लिए सर. तो आप तो सारा पैसा लगा देंगे. हाँ, आपके पास बमुश्किल घर का खर्चा पूरा होता है. ये तो तब होगा जब फालतू पैसे होंगे, ज़हनी सुकून होगा, फालतू वक्त होगा. तो सोचेंगे यार क्या करेंगे, पैसे भी हैं, चलो बच्चों तुमको फिल्म दिखा दें. इंडिया में नेशनल हैबिट है फिल्म देखना. लेकिन सर हमारी फिल्में भी तो वैसी होनी चाहिए ना कि बच्चों को साथ लेकर जाएं. वो शाम को कुछ कर लें, भूखे रह लें, वो फिल्म जरूर देखेंगे जाके. वाह, उनका कल्चर भी बन गया. इसीलिए उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बूम पे है स्टिल, वो कभी भी डाउनफॉल में नहीं आई. बस हमारे यहाँ यही जरा थोड़ा सा भी हालात अच्छे हो जाएंगे. हालात अच्छे हो जाए. अच्छा सर वैसे आज वैसे मदर्स डे, मदर्स लैंग्वेज डे है तो मादरी जुबान का आलमी दिन भी है आज. तो उसकी मुनासिबत से लाहौरी हैं आप, लाहौर की पैदाइश है. और अगर आपने पंजाबी में तो इतनी जबरदस्त मूवीज बनाई हैं तो कोई ऐसा डायलॉग पंजाबी का जो कि आपको सबसे अच्छा लगता है जो आपने लिखा, हम आपकी जुबान से सुनना है. अच्छा देखिए मैं जो हूँ ना, मैं बाबे बुल्ले शाह का मुरीद हूँ. मैं बहुत लव करता हूँ. क्या बात. और मैंने ये जो मजाजन बनाई थी ये उन्हीं की लाइफ स्टोरी से मुतासिर होकर बनाई थी. के ओदे विच तेगा सी ना बाबा बुल्ले शाह जाके राई जी जी सरकार दा मुरीद हो गया जी जी जी. तो सारे खानदान वाले ने कहा कि की कर रहे हैं बुल्ले, तू पागल हो गया, लोकी साडे मुरीद हुंदे ने आ गए, तू राईयां दा मुरीद हो गया. तो ने कहा मन्नू ही ना सैयद, मैं हैगा नहीं सैयद. इस पे बेस करके मैंने वो फिल्म बनाई थी मजाजन, के एक सैयद लड़का है वो एक ऐसी सॉरी एक ऐसी लड़की के इश्क में मुबला हो जाता है जो गाने बजाने वाली है. तो सारे उसको टोकते हैं. घर में बाप जो सैयद है बहुत बड़ा, वो भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, वो नहीं मानता. तो वो उस लड़की से बाप जो है रिक्वेस्ट करता है ऐज सैयद तुम इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, किसी तरह हमारी इज्जत का सवाल है ख़ानदान. वो कहती मैम मुर्शद होती थी, वो अपना प्यार को निकल जाती है. अब सुबह उसको पता चलता है बेटे को. अच्छा. तो वो बाप के पास आता है, उसे पता चलता था मेरे बाप ने निकाल दिया. तो इसके सीन का एक डायलॉग है वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ. कि वो बाप से कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसको बुरी तरह पेश आंदा उसके नाल. तो बाप कहता है हुन की है, कहता हूँ कि मैं तड़को तड़ा पुत्र खोलांगा और मैं ना तुसी मेरे बाप ना मैं तड़ा पुत्र, मैं जा रहा. वो कहता है तुस जिले शाह उसका नाम जिले शाह कहता है सुने जिले ए सौदा तन बड़ा महंगा पड़ेगा. ये डायलॉग है अब मेरे आ रहा है. कहता है शाह जी बड़ा महंगा पड़ेगा, सौदा पावे बुल्ले शाह दा होवे पावे जिले शाह दा एनजीओ में. हाय 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 हाय, क्या बात. वाह 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 वाह, यहां मैंने वो और ये आपने खुद लिखा. ऑफ कोर्स. वाह वाह वाह, क्या बात. बॉलीवुड का जो है फ्यूचर वो आप क्या देख? जो मेरे मुल्क का मेरे वतन का फ्यूचर है वही बॉलीवुड का है. बहुत गहरी बात, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. अच्छा आपने तो जिंदगी में इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए हुए हैं,
अच्छा एक एक कोई ऐसी चीज रह जाती होती इंसान की कि यार ये एक रहती है, ये एक प्रोजेक्ट रहता है, ये एक स्टोरी रहती है, ये अच्छी फिल्म बनाना रहता है। मैंने नहीं बनाई अभी तक। मैं बहुत अच्छी सच्ची बात, इससे भी अच्छी बनाना चाहते हैं। मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो लोगों के दिमागों में आता है। हाँ, दिमागों में नहीं, जो कहेंगे यार ये अच्छा काम हुआ है, पाकिस्तान की पहचान बन जाए। अच्छा सर ये बताइए, कौन सी स्टोरी ऐसी है जो कि आप कहते हैं कि यार इस पे मूवीज तो लाजमी बननी चाहिए पाकिस्तान में? बच्चों पे। बच्चों पे? हाँ, मैं बच्चों पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कुछ थॉट्स इकट्ठे किए हैं। बच्चों से एक्टिंग करवाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन वो बड़ी नेचुरल करते हैं। जब करते हैं उनको अगर आप नफसियाती तौर पर इन्वॉल्व कर लें, उस कैरेक्टर में ले आए, उसको पता भी नहीं चलता और वो एक्टिंग कर जाता है। हम भी यहाँ पर बड़े टैलेंटेड बच्चों को बुलाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस वाले बच्चे। हमारी भी सुनो पाकिस्तान का पूरा एक सेगमेंट है कि न्यू टैलेंट को हम लेकर आते हैं। बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो अच्छा टैलेंट हम आपको भी आप पे भी नजर नहीं आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो ये बच्चे कैसे लग रहे हैं आपको? माशाल्लाह, आप जैसे आपकी एज के बच्चों को टैलेंट चाहिए इस वक्त, जरूरत है। बस इमरान सनावला और मैं इन अभी ये जो अभी जरूर आप तो माशाल्लाह प्रेजेंस है आपकी दोनों की, दोनों बच्चों की। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, आप लोगों की तो प्रेजेंस है ना, कॉन्फिडेंस लेवल भी है, बोल भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं स्क्रीन के सामने अपने आप को। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, टैलेंट ही नहीं है हमारे पास। लोग कहते हैं ना बहुत टैलेंट है, टैलेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है टैलेंट। टैलेंट ढूंढना पड़ेगा हमें। टैलेंट ढूंढना जो है वो बड़ा काम है जी, और आप इसी काम पे लगे हुए हैं। आपने अच्छा अच्छा टैलेंट ढूंढा है, इंटरव्यूज भी करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे।